सोचा कि क्या बताना इसके बारे में, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या पता किसकी हेल्प हो जाए, कौन ऐसे डीमोटिवेट हो रहा हो और ऐसे पड़ा हो, कुछ भी नहीं सोच रहा हो अपने बारे में, सोच रहा हो जिंदगी खत्म हो गई हो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई हो अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो आज की वीडियो शाम से रात होने वाली है, 7 बज गए हैं और खाना मैंने कुछ नहीं बनाया, अभी बनाऊंगी। मैं सूटों पे लग रही हूँ सुबह से और अभी लेके गई हैं, और 2 पैंट थी अर्जेंट में मैंने सिला भी, कस्टमर बीच में भी आ सकते हैं, बोल रहे थे 7 बजे तक आ जाऊंगी दीदी मैं, दे देना, तो अभी मैंने कर दिया। तो मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ गाइस। क्या पता, मैंने सोचा, पहले मैंने बताया नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं बताया, मैंने एक थप्पड़ बनता है मेरे लिए, क्यों नहीं बताया गाइस। सच में मैं आपको सबको बताना चाहती थी कि ऐसे सोचा कि क्या बताना इसके बारे में, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या पता किसकी हेल्प हो जाए, कौन ऐसे डीमोटिवेट हो रहा हो और ऐसे पड़ा हो, कुछ भी नहीं सोच रहा हो अपने बारे में, सोच रहा हो जिंदगी खत्म हो गई हो, ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे मैं पड़ी रहती थी परेशान, कुछ भी नहीं करती, मतलब ऐसा लाइफ में दिन आते ही हैं, मेरे मोटापे से परेशान हो चुकी थी, कुछ भी करने का कुछ भी मन नहीं करता था। तो ऐसी दिक्कतें, कोई पैसे की दिक्कत हो, मतलब कोई जूझ रहा हो ऐसी बीमारी से, तो मैं आप सबसे, मुझे सोचा कि मैंने करनी चाहिए आप सबसे ये बातें। तो मैं अपना किस बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ अपने YouTube के बारे में बातें, जो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, क्यों किया, कैसे किया, और क्या मेरी पेमेंट आई और कितनी आई और कितना इससे मदद मिलती है, कैसे ये वर्क करता है, मतलब काफ़ी सारे सवाल होते थे मेरे मन में भी, और क्या पता मैंने सोचा आपके मन में भी हो, मुझे देखते हो आप सब सोचा हो कभी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि देखो, एक तो सबसे आसान काम है इसमें, ना तो कोई पैसा लगता ना कुछ, और वीडियो बनाने में कुछ नहीं लगता। हाँ, मेहनत जी और जान लगानी पड़ती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत है वीडियो बनाने में। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी वीडियो आप देखते हो 12-13 मिनट की, 15 मिनट की, कि भाई ऐसे ही बन जाती है, नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत है, रिकॉर्ड करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, क्या आपको दिखाना है क्या नहीं, ऐसे है। मैंने सोचा क्या दिखाना, मेरे दिमाग में आया कि मैं खुद के और पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं सिलाई तो करती ही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कुछ और अलग करूँ और पैसे कमाऊँ थोड़ा सा, और अपने आप को, देखो मैं ये चाहती हूँ कि बिजी रहो ना जितना अच्छी लाइफ रहती है, जैसे खाली हो जाओगे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, दिमाग कहते ना खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि वीडियो बनाने में खूब मेहनत लगती है, खूब ध्यान रखना पड़ता है, खुद पे इतना विश्वास करना पड़ता है कि कोई ना कोई वीडियो चलेगी, दिमाग में रहता है कि व्यूज नहीं आ रहे, हाय क्या हो गया क्या नहीं, ये मैं कभी नहीं सोचा, बाई चांस मेरे मन में आ जाता है ऐसा, लेकिन मुझे YouTube से कुछ और मिला है ना, मिला हो या ना, और मिला हो कुछ ना मिला हो, लेकिन आप सबका प्यार, आज तक मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया, सब मुझे इतना सारा प्यार करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं इनको पाके, इनको सुन के इतनी खुशी मिलती है मुझे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पढ़े भी हो ना, मैं उदास भी हूँ, किसी ने कुछ कह दिया हो तो मेरे दिमाग में मतलब अलग सी एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर, एक कमेंट पढ़ के, आपका इतना बड़ा कमेंट कर दो, मेरे लिए टाइम निकालते हो, उसके लिए धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत, कि इतना टाइम मेरे को दिया आपने और इतना प्यार मुझसे करते हो आप। सच में मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसके लायक भी हूँ। कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं जो सोचते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे ही है, तो उनके मुंह पे तमाचा आपने दिया है, आपके कमेंटों ने दिया है कि पूजा भी है कुछ, पूजा भी से भी प्यार कर सकते हैं, भी कुछ कर सकती है। सच में गाइस, दिल से बोल रही हूँ कि आप सब ने सबकी बोलती बंद कर रखी है, क्योंकि जो लोग हमें देखते हैं जलते हैं, कमेंट तो पढ़ते ही है ना, वीडियो देखते ही है ना, कहते हैं ना कि ब्लॉक करने का मन भी करता है लेकिन नज़र भी लोग अपने ऊपर रखते हैं, हैं ऐसे काफ़ी लोग होते हैं, तो उन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी वीडियो में मस्त रहती हूँ, ऐसे लगता है जैसे आपसे बातें फेस टू फेस मेरी हो रही हैं, आपके कमेंट जब पढ़ती हूँ चेहरे पर हंसी आ जाती है, और कोई भी काम करती हूँ, सिलाई करती हूँ मैं, घर का काम होता है, वीडियो होता तो मुझे नहीं पता चलता कब शाम हो जाती, मैं बाहर निकल के देखती हूँ ना कि अंधेरा भी हो गया, ऐसे हो गया। तो मैं बात करूँ कि आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो यूट्यूब से,
ऐसा नहीं है कि एक तो देखो YouTube का रूल है कि अपने पैसा नहीं बताते कितना। मेरी YouTube पेमेंट आ चुकी है गाइस, मेरी YouTube पेमेंट 3 महीने पहले आ गई थी और कितनी आई थी ये नहीं बता सकते, लेकिन बहुत अच्छी आई थी। कि इसमें क्या कि मेहनत खूब है, लेकिन मेहनत करे तो पैसा भी है बहुत अच्छा खासा। घर बैठे कुछ नहीं, जो आपके पास अगर करना चाहते हो अपनी वीडियो वगैरह, आपको बोलना आना चाहिए। मैं बहुत घबराती थी, मेरी पहले की वीडियो उठा के देख लो क्या बोलूँ, पसीने छूट जाना। आज मैं इतना खुल चुकी हूँ, मैं कहीं भी बोल सकती हूँ, अच्छे से बात कर सकती हूँ। तो ये सब मुझे सीखने को मिला इस पर। और कुछ नहीं, जो आपके पास फ़ोन है उसे थोड़ा रिकॉर्ड करो और एडिटिंग करो, डाल दो वीडियो। तो ऐसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। जो भी मैंने अब करवा चौथ पे जो चीज़ें ली थी वो सब YouTube की पेमेंट से ही ली थी, जो भी लिया था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये काम। मेहनत देखो, मैं बार बार कह रही हूँ, खूब है मेहनत, खूब करो, दिल से जान से करो, दिल जान लगा तभी हर चीज़ हासिल होती है। मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं है। सूट सिलते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैं बोलती हूँ, मैं जब मशीन से उठती हूँ ना शाम को, ऐसा होता खाना पीना कोई और ही दे दे, बहुत मेहनत है सूट में भी। ऐसे नहीं कि जल्दी बन जाए, लेकिन उससे भी मैं बहुत अच्छे अपना खर्चा चला सकती हूँ, बहुत अच्छे से कर सकती हूँ मैं काम, बहुत अच्छे से मैं हेल्प कर रही हूँ अपनी फैमिली की, अपनी बहुत अच्छे से मैं रह रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो टेंशन फ्री रहते हैं, कोई दिमाग में कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं आती, घर बैठे हम अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो अगर आप भी YouTube के बारे में सोचो, मैंने ऐसे लिए ज़रूरी समझा, क्या पता कोई ऐसे डिमोटिवेट पड़ा हो के पड़ा हो, क्या करें लाइफ में क्या नहीं। अगर आप करो मेहनत, साल दो साल तीन साल का वेट करो, किसी की वीडियो तो एक ही चल जाए, किसी को टाइम लगता है, किस्मत का भी कुछ खेल होता है, कुछ मेहनत का, सब कुछ मिलके बनते ना, तो मिलके एक हो जाना बहुत अच्छा होता है। क्या पता कब क्या चल जाए। बीच में मैंने भी कितनी बार सोचा कि ऐसे करूं या ना करूं, लेकिन मैं चली जा रही हूँ, ठीक है, आते हैं। मेरा कोई पैसा नहीं लग रहा ना यहाँ पे, कुछ नहीं। मेरा जो फ़ोन था मेरे पास, उसी से मैंने शुरुआत कर दी, कुछ भी मैंने अलग से नया नहीं लिया, कोई पैसे नहीं लगे मेरे इसमें। हाँ, मैंने स्टैंड जरूर लिया था, क्योंकि मैं अकेले ही रहती हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मेरा कैमरा पकड़ के मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ले, मैं खुद ही सब कर लेती हूँ स्टैंड लगा कर। वो सामान आप देख रहे होगे, मैं मार्केट गई थी, थोड़ी सी शॉपिंग की थी मैंने, तो वो सामान पड़ा है उसमें। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ कर सकते हो, अपने पैसे खुद कमा सकते हो, और किसी पे बोझ बनने से अच्छा है घर पे दो पैसे आ सकते हैं। बस मेहनत खूब है, ये आपको जानना पड़ेगा कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा है इसमें। और चलते रहो, क्या कोई पैसे लग रहे, एक मेहनत ही लग रही है। एक तो दिमाग इतना अच्छा रहता है, बिजी रहते हैं ना सारा दिन, तो कुछ भी ऐसी बातें नहीं होती। तो पढ़ो मत, आगे बढ़ो, कुछ करो, करके दिखाओ, लाइफ एक बार मिलती है तो इसको खुल के जियो। जो आपका मन करता है, किसी भी काम में आपकी रुचि है वो काम करिए, ये नहीं कि आप वीडियो बनाएं, किसी भी काम में आपकी रुचि है एक कदम ज़रूर उठाइए। मत सोचे कि मेरे से होगा या नहीं होगा, बस चल दें उस पर। आगे भगवान जी का काम है कि उस काम को चलना है नहीं चलना, उनका आशीर्वाद लो और आगे बढ़ो। कुछ भी मत सोचो कि मुझसे होगा नहीं होगा, ज़रूर होता है। अगर अपने काम में जुनून हो, हौसला हो उस चीज़ को करने का, तो ज़रूर होता है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना, और मुझे बहुत सारी बधाइयाँ देना, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट का। और कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्ती करना, और कभी भी टूट के मत बिखरना, और फिर से उठना। अगर हिम्मत छूट गई है, कुछ भी साथ आपको छूट गया, तो फिर से उठना और एक नई ज़िंदगी शुरू करना। एक बार मेरे भी ऐसे लाइफ में दिन आए थे कि कुछ नहीं बचा, अब कुछ भी मन नहीं करता था, और आज मैं वही हूँ। अगर वही टूट के पड़ी रहती तो जहाँ 76 किलो की थी वहाँ और ज़्यादा वेट बढ़ चुका होता, आज मुझे इसकी लाइफ नहीं जी रही होती। तो ठीक है गाइस, कल मिलते हैं, बाय बाय।